हरियाणा में खेल प्रतिभाओं की कमी नहीं है, इसलिए खेलों के क्षेत्र में हरियाणा का काफ़ी नाम भी है। लेकिन सिरसा जिला के बच्चे साधनों के अभाव में खेलों में अधिक नाम रोशन नहीं कर पा रहे थे, इसलिए इस क्षेत्र के बच्चों को खेलों का उच्च स्तरीय प्रशिक्षण प्रदान करने के लिए शहर की सिरसा रोड पर स्पोर्ट्स युवा क्लब की ओर से नेशनल स्पोर्ट्स अकेडमी की स्थापना की गई है। इस स्पोर्ट्स अकेडमी में बॉक्सिंग सीखने और उसकी प्रैक्टिस करने के लिए शानदार रिंग तैयार किया गया है। इस स्पोर्ट्स एकेडमी का उद्घाटन आज देश के प्रसिद्ध बॉक्सर विजेंद्र सिंह के कोच व द्रोणाचार्य अवार्डी जगदीश सिंह और अंतर्राष्ट्रीय पहलवान पूजा सिंह ने रिबन काटकर व दीप प्रज्वलित करके किया। बताया है पिछले ओलंपिक में भी हमारी जो महिला पहलवान थी साक्षी मलिक, उसने देश के लिए पदक जीता है और दूसरा पदक भी हमारी बेटी ने बैडमिंटन में जीता है, तो हमारी बेटियाँ किसी भी तरह से कम नहीं है। मैं सभी इस अवसर पर नगरपालिका के चेयरमैन रविंद्र कुमार लड्ढा व समाज सेवी दीपक अरोड़ा ने मुक्केबाजी का एक दोस्ताना मैच खेला, जिसे देखकर सभी लोगों ने खूब तालियां बजाई। वहां उपस्थित महिलाओं के बार बार आग्रह पर अंतर्राष्ट्रीय पहलवान पूजा सिहाग ने हरियाणवी गानों पर जमकर ठुमके लगाए। वे काफी देर तक महिलाओं के साथ मंत्रमुग्ध होकर नाचती रही। इस स्पोर्ट्स एकेडमी में अन्य खेलों जैसे कैरम बोर्ड, टेबल टेनिस जैसे खेलों की व्यवस्था भी की गई है, ताकि यहां पर बैठकर खिलाड़ी अपनी खेल प्रतिभा को निखार सके। वहीं खिलाड़ियों के फिटनेस के लिए एक्सपर्ट कोच के साथ जिम भी उपलब्ध करवाया गया है। कोच जगदीश सिंह, पहलवान पूजा सिहाग व अकेडमी संचालक सतवीर सिंह ठाकुर ने क्या कहा, आइए सुनते हैं। मेरे द्वारा प्रशिक्षित 5 खिलाड़ी अर्जुन अवार्डी हैं, विजेंद्र हैं, अखिल हैं, दिनेश हैं, विकास किचन हैं, कविता चहल है और लगभग 7 ओलंपियन हैं और 15 मेरे मुक्केबाजों ने विश्व मुक्केबाजी में पदक जीते हैं और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी 270 के करीब पदक मेरे द्वारा प्रशिक्षित खिलाड़ियों ने जीते हैं। और आज मुझे बड़ी खुशी है कि अहमदाबाद जैसे दूर दराज के ग्रामीण क्षेत्र में जो खेलों के मामले में काफ़ी पिछड़ा है, लेकिन आर्थिक दृष्टि से एक बहुत ही समृद्ध इलाका माना जाता है। मैं मानता हूं कि ये एक बहुत बड़ी अच्छी शुरुआत है और एक बहुत बड़ी उपलब्धि होगी आने वाले समय में कि यहां के युवाओं को खेलों के माध्यम से देश और प्रदेश का नाम रोशन करने का अवसर मिलेगा। और ऐसी ज़रूरत काफ़ी पहले से महसूस की जा रही थी, मेरे दिमाग में भी कई बार आता था कि हमारा जो इलाका सिरसा और इसके अगल बगल का जो राजस्थान और पंजाब के बॉर्डर से लगता है, आर्थिक दृष्टि से काफ़ी समृद्ध है। यहाँ के लोग आर्थिक दृष्टि से सक्षम हैं अपने बच्चों को अच्छी खुराक देने में, लेकिन वो खेलों की तरफ रुझान कम रखते हैं। और जैसा कि आपको पता है, इस इलाके में जो नशे की लत है वो भी है, तो युवाओं को एक अच्छी शिक्षा देने के लिए, अच्छा दिशा निर्देश देने के लिए खेलों का जो रुझान है, खेलों की तरफ आगे बढ़ना बहुत ज़रूरी है। इससे हमारे युवा
नशे से तो बचेंगे ही, उसके साथ साथ अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर देश और प्रदेश का नाम भी रोशन कर सकेंगे। मैं इस क्लब के जो संचालक हैं उनको इस बात के लिए मुबारकबाद देता हूं, और जो हमारे जो इस शहर के गणमान्य हस्तियां जो इस क्लब की शुरुआत पे मौजूद थी उनको भी धन्यवाद देता हूं कि उन्होंने आके इन युवाओं का हौसला बढ़ाया है ताकि ये और आगे अपनी जो गतिविधियां हैं उनको तेज़ी से बढ़ा सकें और युवाओं को खेलों की तरफ आकर्षित कर सकें। सर ये बताइए कि हमारा क्षेत्र जो है बिल्कुल खेलों के मामले में पिछड़ा हुआ है, हम किस तरह युवाओं को इसमें भागीदार बनाएं जिस तरह हरियाणा। यही तो मैं बात कहने जा रहा हूं कि जो शुरुआत है इस तरह की जो क्लब खुलेंगी सरकार की तरफ से भी अच्छे जो स्टेडियम हैं उनका निर्माण होगा और अच्छे प्रशिक्षक नियुक्त किए जाएंगे। हरियाणा में प्रशिक्षकों की कोई कमी नहीं है, हमारे जो जनप्रतिनिधि हैं उनसे आपको मांग करनी चाहिए कि इस इलाके में अच्छे जो प्रशिक्षक हैं उनकी नियुक्ति हो और स्कूलों में भी अच्छे जो हमारे जो शारीरिक शिक्षा के अध्यापक हैं लेक्चरर हैं उनको भी इस तरफ ध्यान देना चाहिए कि वो युवाओं को खेलों की तरफ आकर्षित करें। खेल आज एक बहुत बड़ा करियर है खेलों में, खेल घाटे का सौदा नहीं है, खेलों से दौलत शोहरत मिलती है, उसके साथ साथ अपने आप को स्वस्थ रखने का भी एक बहुत बड़ा जरिया है। आपको पता है कि दुनिया में जितने भी देश विकसित हैं वो खेलों में सबसे ज़्यादा आगे हैं। आज के दिन अपने आप को श्रेष्ठ साबित करने के लिए युद्ध नहीं लड़े जाते, ओलंपिक में जिस देश के पदक जाता है आप पदक तालिका पे नज़र डाल लें वही देश आर्थिक दृष्टि से समृद्ध हैं खुशहाल हैं। पे रेसलिंग का काफ़ी अच्छा क्रेज है, मास्टर चंद्रकिराम जी सिसाई से ही बिलोंग करते हैं। बोला जाता है कि हमारे गांव में सिसाई की मिट्टी में ही कुश्ती है, तो फिर हमारे इधर पहले गर्ल्स की कोई एकेडमी नहीं थी, 2011 में हमारे कोच संजय सियाग ने गर्ल्स की एकेडमी बनाई जो पापा के दोस्त है अच्छे। वैसे मेरे घर में कोई रेसलिंग का क्रेज नहीं था, किसी को रेसलिंग के बारे में पता भी नहीं था, फिर कोच ने पापा से बात की कि मैं यहाँ से ऐसी एकेडमी बना रहा हूँ और बच्चों को भेजना, फिर हम जाने लगे लेकिन आसपास के लोग ऐसे बोलते कि क्या ये थोड़ी ना रेसलर बन सकती है, बस एक इसी जज्बे ने अपने आप को तैयार कर दिया कि अब तो बन के ही दिखाना है सबको, इनका मुंह बंद करके ही दिखाना है। और फिर जैसे पेरेंट्स का फैमिली का काफ़ी अच्छा सपोर्ट रहा, सबसे ज़्यादा कोच संजय सियाग जिन्होंने हर मोमेंट्स पे सपोर्ट किया, उन्हीं की वजह से आज मैं यहाँ हूँ। काफ़ी अच्छा लगता है जब इतने आगे जाती हैं, और फिर माँ बाप को भी अब काफ़ी अच्छा, जो लोग मेरे बारे में ये बोलते थे कि ये क्या करेगी आज वही मेरे बारे में ये बोलते कि हाँ ये मेरे रिलेटिव है वो आज मेरे रिश्तेदार बन गए हैं वो ही मेरे बारे में अच्छा बोलते हैं। और कितनी साल की उम्र से ये रेसलिंग शुरू की? मैंने ये 14 साल की उम्र से। अभी तक आप कौन कौन से इवेंट में भाग ले चुके हैं? अभी तक मैं 4 बार एशिया चैम्पियनशिप में मेडल है, वर्ल्ड चैम्पियनशिप में काफ़ी बार पार्टिसिपेट किया है मेडल भी, और कॉमनवेल्थ चैम्पियनशिप में सीनियर में सिल्वर मेडल है, और अभी अभी अंडर-23 एशिया चैम्पियनशिप में सिल्वर मेडल मंगोलिया में जो 21 से 23। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि अपना एरिया साधन संपन्न होते हुए भी खेलों के मामले में बहुत पीछे है, हम लोग आप जैसे कि जानते हैं कि हम 10-12 साल से हम खुद स्पोर्ट्स पर्सन हैं और 10-12 साल से हम खुद स्पोर्ट्स को बढ़ावा भी देने की कोशिश कर रहे हैं, धीरे धीरे जो भी हमारा प्रयास रहता है कुछ ना कुछ किया जाए स्पोर्ट्स के लिए हमारे क्षेत्र के लिए। तो उसी के बीच में हमने एक टारगेट सा देखते हुए कि यहाँ स्पोर्ट्स की बहुत सारी कमी है, तो हमारी एक साथियों की टीम, ये 4 साथियों की टीम ने मिलकर एक निर्णय लिया कि हम भी क्यों ना मिलजुल के एक प्रयास करें कि एरिया को आगे बढ़ाया जाए गेम के मामले में, जो कि हम पीछे रह रहे हैं, क्योंकि हमारे अब देखते हैं कि हिसार भिवानी या फतेहाबाद से आगे का हम क्षेत्र देख रहे हैं कि स्पोर्ट्स में जितने भी कोई भी हरियाणा का नाम, वैसे तो हरियाणा का नाम बहुत बड़ा है, हम भी हरियाणा के होते हुए हरियाणा का नहीं कहलवाते हैं ये क्षेत्र, तो इसी को देखते हुए हमने एक ये प्रयास किया था कि यहाँ एक स्पोर्ट्स अकेडमी बनाई जाए, और कोच साहब से हमने इसके लिए मुलाकात की, टाइम लिया समय लिया, तो कोच साहब ने हमारी इसके लिए बहुत मदद की और हमें इसके लिए मतलब प्रेरित किया कि आप ऐसा करो तो मैं भी आप आगे जाके आपकी मदद करूँगा, यहाँ जो भी प्लेयरों को आगे बढ़ावा देने के लिए करूँगा। अकेडमी में सर हमने सबसे पहले तो एक अच्छे लेवल का ये रिंग जो कि हमारे सिरसा डिस्ट्रिक्ट में शायद ना हो, और वो रिंग हमने प्लेयरों के लिए फैसिलिटी हमने दे दी है यहाँ पर, और जो और हम ये देख रहे हैं कि आप इन बच्चों के लिए जिम की व्यवस्था, ऊपर टेबल टेनिस है, कैरम है, मैट कबड्डी का ग्राउंड यहाँ बनाया गया है, क्रॉस फिटनेस के लिए बनाया गया है, तो ये सारा सेटअप हमने यहाँ लगभग सेट किया है, और भी अगर हमें कोई कमी यहाँ दिखाई देगी आप जैसे हमें कोई आगे सजेस्ट करेंगे तो हम इसको और भी बढ़ाएंगे।
और भी इसमें और भी फैसिलिटी हम देने की कोशिश करेंगे जो जो यहाँ जरूरत होगी अगे है। बिल्कुल सर, अभी थोड़े दिन में कोसाब से बात चल रही है कि बॉक्सिंग का या एक मैट कबड्डी का एक नाइट टूर्नामेंट हमने करवाना है एक आगे, और जो जिसमें अच्छे लेवल के, जैसे आज आप देख रहे हो कि यहाँ एक अंतर्राष्ट्रीय प्लेयर हमारे बीच में आज आए हुए हैं, एलनाबाद के अंदर पहुँचे हैं, और इसी तरह हम उस दिन भी युवाओं को प्रेरित करने के लिए दूसरे प्लेयरों को भी यहाँ बुलाएंगे। और आप जानते होंगे, आपको मैं बता दूं कि जैसे कि अभी मेरे को जैसे जनरल सिंह बराड़ जी हैं तो यही मिले थे, तो इनका बच्चा भी बॉक्सिंग की प्रैक्टिस कर रहा है और वो भिवानी में कर रहा है। आज इन्होंने कहा आपने ये व्यवस्था यहाँ कर दी है तो हम कोशिश करेंगे भिवानी क्यों ना हम यहीं करें, अगर ऐसी हमें फैसिलिटी मिलती रही तो इन लोगों का मैं बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ अपने एलनाबाद क्षेत्र का कि जो हम प्रयास कर रहे हैं उसमें हमारा पूरा भरपूर सहयोग मिल रहा है। तो कृपया इसे लाइक करके अपनी सभी व्हाट्सएप ग्रुपों में शेयर करना न भूलें। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल डी को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया चैनल डी को तुरंत सब्सक्राइब करके उसके पास बने घंटी के निशान को जरूर दबा दें ताकि हमारे अगले वीडियो तुरंत और सबसे पहले आपके पास पहुंच सके। तब तक आप देखते रहिए यूट्यूब चैनल डी। धन्यवाद।